press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं प्रदीप दुबे। फ्रेंड, हम आज आपको कुछ जानकारी देंगे। अगर कोई नई कंपनी ओपन हुई है और उसमें आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कभी आपका पैसा डूबेगा नहीं और आप अच्छी खासी जो है कंपनी से इनकम कर सकते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे। तो फ्रेंड, अगर आपको जानना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी कंपनी अगर होती है, चाहे वो कंपनी पुरानी हो चाहे वो कंपनी नई हो, अगर उसमें कंपनी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जिसको आप ध्यान रखेंगे तो कभी आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आप पैसा लगा के अच्छा खासा इनकम कंपनी से कमा सकते हैं। मैं कुछ आपको जो है टिप दूंगा जिसे आप आराम से सुनिए। पहले फ्रेंड देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे अगर मान लो एक कंपनी है, ठीक है, तो अगर कोई भी कंपनी अगर नई नई अपना सर्विस देना चालू करती है तो सबसे पहले क्या करती है, वो धीरे धीरे पहले कुछ लोग को लालच देती है, कुछ धीरे धीरे अपने तरफ करीब लाती है कि मैं नया नया इन्वेस्टर को अपना बनाऊं और अपने कंपनी में ज्वाइन करूं। वो एजेंट को तैयार करती है और एजेंट को जो है उसका आईडी और पासवर्ड बना के देती है कि तुम इतने लोग को इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, ये सब चीज़ें कंपनी करती है। तो फिर आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा इससे पहले, आपको ये जानना है कि जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसके बारे में पहले सबसे पहले आप पूरा बैकग्राउंड जान लीजिए। एक कंपनी का टाइप किसके संग है, एक कंपनी ये हमारा पैसा लेके कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, एक कंपनी हमें किस तरीके से पैसा देगी, क्या इसके रूल हैं, सारी चीज़ को आप फॉलो कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या आप गलती करते हैं फ्रेंड, अगर कोई भी एजेंट अगर आपके पास आता है, अगर आपसे बोलता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप इसे पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप इतना पैसा लगाएंगे तो आपको इतना साल में इतना पैसा मिलेगा, तो सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप एजेंट के बारे में पहले जांच पड़ताल कर लें कि वो एजेंट कहाँ का रहने वाला है, वो एजेंट जहाँ पे रहता है क्या उसका मकान खुद का है या भाड़े का है, उस एजेंट के बारे में सारा बायोडाटा पहले पता करो, उसके बारे में सारा चीज़ पता करने के बाद फिर कोई फैसला लो। और दूसरा चीज़ आपको हम ही बताना चाहते हैं, फिर अगर कंपनी में जो लोग पहले से इन्वेस्ट किए हैं उनसे मिलो, उनसे बातें करो, देखो कंपनी में क्या रिकॉर्ड है, क्या ट्रैक है, सब कुछ पता करने के बाद फिर आप कोई फैसला लो। और अगर कंपनी में सबसे पहले अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करो तो कंपनी में आप जो है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करो, पहले थोड़ी थोड़ी रकम को इन्वेस्ट करो, इसके बाद जो है आप देखो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आप ज़्यादा पैसा एक साथ इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप थोड़ा पैसा लगाइए और देखिए अगर कंपनी आपको अच्छी सर्विस देती है तो आप जो है उस कंपनी में धीरे 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 अपना रिकॉर्ड बनाते रहिएगा। और पहला चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कंपनी अच्छी होती है वो कंपनी कभी भी अपने बारे में दुनिया भर का तामझाम नहीं फैलाती है, वो डायरेक्टली हर चीज़ अपना जो है ऑन टाइम करती है और सब कुछ बता के करती है। और जो कंपनियों में प्रॉब्लम होता है वो कंपनी क्या करती है, सबसे पहले दुनिया भर का जो है प्रचार करेगी, दुनिया भर का एजेंट बनाएगी, लालच देगी, आप 1 लाख रुपया लगाएंगे तो आपको मैं 2 लाख रुपया दूंगा, डबल करूंगा। तो पहले आपको सबसे पहले आपको हम क्या बताना चाहेंगे, आप पहले ये ट्रैक कीजिए कि वो कंपनी का क्या साइट है, वो साइट जो है कंपनी का जो है लिस्टेड है कि नहीं, क्या वो साइट उसका जेन्युइन है कि नहीं, उस साइट पे कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं पहले आप ये देखिए, उसका साइट क्या वेबसाइट है, उसका क्या कस्टमर केयर का नंबर है, सब कुछ पता करने के बाद फिर आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। फ्रेंड देखो, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कोई कंपनी अगर ऑफर देती है तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑफर के लालच में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, अब बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, कोई भी एजेंट अगर आपके पास आता है, अगर वो बोलता है कि मैं इस कंपनी से हूँ, इस कंपनी से मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, इस कंपनी का ये रूल है, ये डॉक्यूमेंट है, ये सब कुछ है, तो सबसे पहले आप कंपनी में जाने के लिए कोशिश करें। अगर वो कंपनी आपके आसपास है या दूर है तो आप उस कंपनी में पहले जाके पता करें, जो उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हैं उनसे मिलें, इसके बाद आप कोई फैसला करें। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड आज के समय में आपको हम बताना चाहते हैं ना, अगर आप कोई एक
उदाहरण तो बता रहे हैं, अगर आप एक शॉप खोलेंगे, अगर आप एक शॉप खोलते हैं ना, तो शॉप में कस्टमर को बनाने के लिए आप खुद जो है पहले खुद हल्ला करते हैं, दूसरों को बुलाते हैं, प्रचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब धीरे धीरे आप कस्टमर बनना चालू होते हैं। और इसके बाद कुछ कस्टमर होते हैं जो अपने आप आते हैं, पर कुछ कस्टमर को आप जो है खुद उनको बुलाते हैं, उनको लालच देते हैं, तभी वो कस्टमर आते हैं। अगर फ्रेंड आपका काम अच्छा है, आपके शॉप में हर चीज़ अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है, तो कस्टमर अपने आप आएंगे, आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। तो आपको हम ये चीज़ बताना चाहते हैं कि एक कंपनी में, कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी चाहे लिस्टेड कंपनी हो, उसमें पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी डॉक्यूमेंट अपना दे रहे हैं, अगर आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट आप कंपनी में अगर आईडी का प्रूफ दे रहे हैं, सबसे पहले आप सिग्नेचर कर रहे हैं, तो पहले देखिए कि मैंने क्या सिग्नेचर किया है, उसका फोटोकॉपी लेकर अपने पास रख लीजिए। मान लो कभी अगर कंपनी आपके संग कोई लोचा करती है, तो उस सिग्नेचर को आप जो है आसानी से मैच करा के अपने इलीगल तौर पे आप यूज कर सकते हैं। कंपनी कभी कभी, कुछ कंपनियां ऐसी होती है ना, जो सिग्नेचर करते समय आप भूल जाते हैं कि मैंने किस तरीके का सिग्नेचर किया है, और वो कंपनी उसे ही फोर्क करती है। दूसरा चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं फ्रेंड कि कंपनी जो है ना, कोई भी कंपनी हो, कंपनी कभी भी कोई भी इन्वेस्टर को अगर ऑफर देती है कि आप हमारे कंपनी में आइए, तो कंपनी के बारे में कुछ लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं कि वो कंपनी का लीड क्या है। सबसे पहले उस कंपनी का लीड समझिए कि इस कंपनी का जड़ क्या है, इस कंपनी का क्या टाइप है, कंपनी किसके संग जुड़ी है, ये कंपनी के संग कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं, कितने लोग करते चले आ रहे हैं, सब कुछ जानने के बाद ही कोई आप फैसला लीजिए। फिर देखिए फ्रेंड, आपके सामने एक अच्छा उदाहरण आएगा, और मैं आपको बता रहे हैं कभी आप धोखा नहीं खाएंगे। ये मैं आपको खुद का इसमें बता रहा हूँ फ्रेंड कि आप एक गलती कभी मत कीजिए। ये चीज़ों के लिए मैं आपको एक अच्छे से वीडियो आपको और बना कर दूंगा, जो कि मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि ऐसी ऐसी कंपनियां थी जो कि इस तरीके से फ्रॉड करती हैं, उनको फ्रॉड करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाती हैं, वो क्या क्या तरीके अपना के आपको लूटती हैं। तो फ्रेंड यही सब चीज़ें हैं। फ्रेंड देखिए, सब एजेंट एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए, उन्हीं एजेंट से आप कोई भी अपना जो है इन्वेस्ट करवाइए, जिस एजेंट का मकान खुद का हो, जो एजेंट को आप जानते हैं, जिस एजेंट को सभी लोग जानते हैं, आप उन्हीं से ये काम करवाइए। जो एजेंट का मकान खुद का नहीं है, वो भाड़े पर रहते हैं, तो अगर मान लो आपको कोई चीज़ इन्वेस्ट करने के बाद वो चले जाते, कहाँ खोजेंगे? तो ये सब सारे बायोडाटा पहले एजेंट के बारे में पता कर लो, किसी दूसरे से पता करो कि ये आदमी कैसा है, फिर आप उनको पकड़िए। देखिए फ्रेंड, ये चीज़ें होती है ना कि बहुत से एजेंट अच्छे होते हैं, और बहुत से एजेंट ऐसे होते हैं जो कंपनी उन्हें लालच देती है, तुम इतना कस्टमर बनाओ, मैं तुम्हें ज़्यादा प्रॉफिट दूंगा, और तरह तरह का आपको स्कीम बताएंगे, इतनी बड़ी बड़ी स्कीम बताएंगे कि आपको लालच में आना ही पड़ेगा। देखिए, पैसा ऐसा चीज़ है ना फ्रेंड, सभी लालच में आ जाते हैं। तो आपको यही सब टिप्स बता रहे हैं फ्रेंड कि अगर आप सारे टिप्स को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, कभी आप फेल नहीं होंगे। आप जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, और आप आगे बढ़ेंगे, और कभी आपका काम रुकेगा नहीं। और कभी भी फ्रेंड आपको एक चीज़ और बता रहे हैं, जब भी आप कंपनी में, किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पहले तो आप अपने मनी का पूरा आप व्यवस्था कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे का पूरा व्यवस्था नहीं है, तो किसी से आप ज़्यादा पैसे पे इंटरेस्ट पे लोन लेके आप उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप पैसा किसी से कर्ज लेके इन्वेस्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप दोनों तरफ से मार खा जाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, तो पहले सबसे पहले खुद को अपने पैसा इंतजाम कीजिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, और थोड़ी थोड़ा पैसा आप जो है लगाइए। ये नहीं कि आपके पास एक रुपये भी नहीं है, आप प्रॉब्लम में है, कर्ज में है, और आप लाख, दो लाख, तीन लाख, दस लाख रुपये लेकर कर्ज लेके डाल दिए, तो फिर इससे क्या है ना, आपकी मुसीबतें बढ़ेगी। ये मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूँ फ्रेंड, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए आपको मैं वो उदाहरण देना चाहता हूँ। कभी भी किसी कंपनी में पैसा लगाइए, कर्ज मत लीजिए, आपके पास जितना बजट है उतने में पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए। और तभी आप धोखा खाते हैं, जब आपके पास पैसा नहीं रहता है, किसी से कर्ज लेते हैं, तभी आप दिक्कत में आते हैं। तो यही सब आपको टिप्स बता रहे हैं फ्रेंड, ये मेरा खुद का एक सिंपल टिप्स है, मैं इसको आपको रियल बता रहा हूँ कि आप जो टिप्स मैंने आपको बताया, आप किसी भी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, कंपनी का पूरा बैकग्राउंड जानिए, आप कंपनी में
कंपनी के मालिक से या एजेंट से ऐसी जानकारी आप लेंगे तो आपको सही जानकारी देंगे। आप उनसे मिलिए जो कंपनी से पहले से जुड़ चुके हैं, जो कंपनी से पहले से अपना वर्क कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कमा रहे हैं, उनसे जुड़िए। अगर आप इस तरीके का अगर कोई भी काम करेंगे तो कभी आपका पैसा नहीं रुकेगा। ये मेरा प्रूफ है, ये मेरी गारंटी है फ्रेंड कि मैं ऐसा जो है एक बार किया था। एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट फ्रेंड जो बता रहे हैं कि ICICI बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास एक एजेंट आया कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो FD के नाम पे आपको इतना पैसा मिलेगा। फिर मैंने उस एजेंट के बारे में पता किया कि एजेंट का क्या बैकग्राउंड है, सब कुछ पता करने के बाद फिर वो एजेंट क्या था, वो भाड़े का रूम लेके रहता था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने कुछ लोग का पैसा इन्वेस्ट किया था। जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं डायरेक्ट बैंक में गया, वहाँ पे जाके विजिट किया। अगर फ्रेंड कभी भी आपको किसी एजेंट आपको ये लालच दे रहा है तो आप उस एजेंट की लालच में ना आइए। उसके बारे में सारा बैकग्राउंड जानने के बाद जब आपको लगता है कि ये एजेंट सही है तभी उसके बाद तो विश्वास कीजिए। आपको नहीं लगता है तो डायरेक्ट आप कंपनी में जाइए, वहाँ कंपनी में जाने के बाद सब कुछ पता कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट, आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जो जो डॉक्यूमेंट देते हैं सब डॉक्यूमेंट आप अच्छे से चेक करके दीजिए। आप जहाँ जहाँ साइन कीजिए हर साइन को आप अच्छे से जांचिए कि मैंने क्या क्या साइन किया है। उस साइन का हो सके तो एक पिक्चर भी लीजिए, एक फोटो भी लीजिए और उसको रख दीजिए। कभी कभी क्या है ना फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो साइन करते हैं ध्यान नहीं देते हैं और बाद में कोई लोचा होता है तो साइन करते वक्त थोड़ी सी मिस्टेक जो है होती है ना तो फंस जाते हैं। सबसे बड़ा चीज सिग्नेचर होता है और डॉक्यूमेंट होता है फ्रेंड। और बाकी कंपनी की बात है फ्रेंड तो आप ये देखिए कि ये कंपनी लिस्टेड है कि नहीं, ये सब जानकारी मुझे देना था फ्रेंड। अगर आपको ये मेरी बातें मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड आप हमारे संग बने रहिए, मैं आपको और ऐसी वीडियो लाकर दूंगा और मैं आपको फेस टू फेस बनाकर दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं आपको ऐसी वीडियो बनाकर दूंगा जो आपको दिल को आपके मन को शांति पहुंचाएगा। यही सब बातें फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो हमारी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे संग बने रहिए। और कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए तो आप मुझे बताइए किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, आपको हम वही बनाकर देंगे। बस इतना ही करना था फ्रेंड, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।